हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के डंठल, जिसे आप जो है वेस्ट समझकर और फेंक देते हैं। हम आज उसी की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं अपने किचन की ओर, जिसके लिए दोस्तों मैंने आधा किलो गोभी के डंठल लिए हैं। गोभी के डंठल हमें फ्रेश ही लेने हैं। अब हम इसे ऊपर से इस तरह से काट लेंगे। इसके जो ऊपर से जो मोटी मोटी जो परत है, हम इसको निकाल देंगे और इसके हम चार हिस्से कर देंगे। मैंने इसे लंबाई में काटा है, अगर आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, पर इस तरह से ज़्यादा स्वाद लगते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने सब डंठलों के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब मैंने चार प्याज लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर लिया है। प्याज, अदरक और लहसुन को हम जो है ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में। तक हम ग्राइंड करते हैं, तब तक मैं अपना ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने ग्राइंड भी कर लिया है मसाला। अब सरसों का तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम टमाटर जो हमने लिए थे, चार टमाटर, उनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारा मसाला भी भूनकर तैयार हो गया, इसका सारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैंने जो टमाटर और हरी मिर्चों को जो ग्राइंड किया था, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें इसे तब तक भूनना है अच्छे से, जब तक कि जो ऑयल जो है अच्छे से बाहर ना निकलने लगे। उसको अच्छे तरह से हमें भून लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। स्वाद के अनुसार नमक लिया है मैंने, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, मैगी का मसाला लिया है। इससे भी हमारी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने मैगी का मसाला डाल दिया है दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें जब तक भूनना है, जब तक कि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाएँ। गैस का फ्लेम हम तेज ही रखेंगे अभी। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें जो हमने डंठल जो धो के रखे थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। और आप यकीन मानिए दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मोटा मोटा प्याज, टमाटर भी ऐसे ही काट कर डाल सकते हैं। अब मैं आधा गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, ताकि हमारे जो ये डंठल हैं अच्छे से गल जाएँ। ज़्यादा भी नहीं गलाने हैं, लेकिन गलने चाहिए ताकि खाने में आसानी रहे। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। दोस्तों, सेम गैस पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में एक दो बार हिला दिया था। अब मैं देखती हूँ कि हमारे डंठल जो बने हैं कि नहीं। ये देखिए, आसानी से टूट रहे हैं। अब ये बन चुके हैं। मैं इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे डंठल बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर दूँगी। मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे डंठल, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हम इन्हें उन चीज़ों से बना रहे हैं जो हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो अब आप इन डंठलों को कभी ना फेंकिए, और इस तरह से आप सब्ज़ी बनाकर सबको सर्व कीजिए, और ये दाल के साथ सर्व कीजिए, और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।